ये मछली लेने आए हैं क्योंकि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है। मैंने कहा मछली खाई जाए पहले सीज़न में। पहली मछली ये नहीं, हमने ये वाली काला रोह है। काला रोह ये मछलियों का बाजार है। मछली जो है उसको नमक लगा के धो रही हूँ, इसको साफ़ किया जा रहा है, फिर इसको इसके बाद इसको मसाला लगाएंगे। ये देखें कट लगा रहे हैं इसको पहले तो। ये देखिए ये कट लगा रहे हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से इस पर जज्ब हो जाए, लग जाए। ये देखिए ये देखिए नमक इसके ऊपर लगाया है। नमक लगाने से ये है कि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हल्दी भी लगाते हैं, हल्दी और नमक लगा के इसको 5 या 10 मिनट के लिए रखेंगे तो फिर उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको हल्दी और अजवाइन और नमक लगा के इसको अब धोने लगे हैं। और दूसरी तरफ ये मसाला है, ये इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया का पेस्ट और फिश मसाला और नमक, ये सब कुछ तकरीबन तमाम मसाले डाल के अब इसमें नींबू ऐड करूँगी। ये देखो नींबू, ये देखें तकरीबन 5 से 6 नींबू मैंने इसमें ऐड किए हैं और ये बड़ा मज़े का ऐसे खुशबू इसकी बड़ा मज़े की आ रही है। अब ये मसाला हम फिश को लगाएंगे। ये मछली को अब मैं ये जो मसाला मैंने बनाया था वो लगा रही हूँ। ये देखो ये जो कट है ना, ये जो कट है इसके बीच पर मैं लगाऊंगी, फिर ये दूसरी साइड पे लगाऊंगी, फिर इसके ये अंदर वाली साइड पे भी ये सारा मसाला लगा के ऐसे अच्छी तरह से ये रखती जा रही हूँ मैं। ये सर्दियाँ आ गई हैं, बारिशें हुई हैं तो उसकी वजह से सर्दी हो गई है, तो ऐसे ही बाज़ार गई हूँ तो मैंने वहाँ पे फिश देखी है। मैंने कहा चलो आज इस सर्दियों की पहली सीज़न में ना पहली दफ़ा फिश खाते हैं। वैसे तो हम लास्ट टाइम भी हमने बहुत ज़्यादा फ़िश खाई थी, हमें फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी और हमें भी, तो मैंने कहा चलो आज ले कर जाते हैं। और हम लोग खालियाँ से वापस आए हैं, बारिश में आए हैं और उससे तो ठंड भी है, तो मैंने कहा चलो आज मछली इंजॉय करते हैं। ये हमारी तमाम मछलियों को मसाले लग गए हैं। अब ये जो बच गया ऊपर मैं नेट कर लिया, ये अब ऊपर लगा के साइड इसकी चेंज करते हैं ताकि अच्छी तरह से इसके इसका टेस्ट जो है ना फिश में आ जाए। फ्राई करनी है ना तो इसलिए, ये देखें कोई भी चीज़ आना नहीं करनी चाहिए। ये मछली को मसाला सारा लग गया, अब इसको मैं ऊपर से कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए ऊपर डीप फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये अच्छे से इसको मतलब लग जाए, फिर हम लोग उसको फ्राई करेंगे। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और ये वीडियो देख के आप लोगों का भी दिल करेगा कि आप लोग भी मछली खाएँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा शेयर करूँगी इसको फ्राई करना। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश जो है वो बिल्कुल रेडी है, फ्राई हो गई है। फ्राई होते हुए इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि लाइट बंद है हमारी, तो इसलिए ये देखें हाँ जी गरम गरम फ़िश। तारक साहब खा के बताएंगे कैसी बनी, अजान भी खा के बताएगा। साइड पे रखना कांटे, हाँ जी टेस्ट कैसा है? जिस जिसने खानी है फिश हमारे साथ वो आके खा लें, सर्दी का मौसम है
तो हमें दीजिए आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि फ़िश फ्राई है, अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। ठीक है जी, हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लाइट ऑफ है तो इसलिए आप लोगों को फ्राई करते वक्त आप लोगों से शेयर नहीं की, अब फ्राई हो चुकी है तो हम तो इंतज़ार नहीं हो रहा, हम भी फ़िश खाएं। और आप लोगों की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियो फुल देख के बतानी है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट अच्छे अच्छे करने हैं, लाइक भी कर देनी है और शेयर भी करनी है। तो ठीक है जी, मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय।